हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों को जब हम ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बग़ैर किसी इधर उधर की बात करने के सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा क्या है कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, कि जब आप लोग ब्लॉग स्टार्ट करने चाह रहे हैं, आपने सोच लिया है कि हमने अब ब्लॉगिंग पे काम करना है, तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। सबसे पहले आपने चूज़ करनी है पिक योर नीच। ये है आपकी नीच कि आपने आपके पास कौन सी नीच हो, आपने कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है। और ये काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, वो सब कुछ सीख जाते हैं ब्लॉगिंग में, वेबसाइट बनाना हर काम सीख जाते हैं, कंटेंट राइटिंग। उनसे ये ही डिसाइड नहीं होता कि हमने अपनी कौन सी नीच को फाइंड करना है, हमने कौन सी नीच के ऊपर काम करना है। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल की विद प्रूफ के साथ सॉफ्टवेयर में हम उनके कीवर्ड को सर्च करके भी कुछ कीवर्ड्स भी आपको निकाल के दे दूंगा और उसकी डिफ़िकल्टी भी दिखा दूंगा कि उसके अंदर आपकी नीच कौन कौन सी होनी चाहिए और आजकल 2023 में कौन कौन सी फेमस नीचेस चल रही हैं। सबसे पहले हम उन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, फिर हम अपने बात करते हैं नीचेस पे। तो आपने नीच फाइंड कर ली, नीच फाइंड करने के बाद आपने एक सबसे अच्छा और बेस्ट सूटेबल प्लेटफॉर्म ढूंढना है। कौन सा प्लेटफॉर्म ढूंढना है कि आपने किस चीज़ के ऊपर अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है, ब्लॉगर पे क्रिएट करना है, वर्डप्रेस पे, जुमला पे, ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है वो होता है आपके पास वर्डप्रेस। नेक्स्ट आ जाता है कि क्रिएट एन इंटरेस्टिंग ब्लॉग नेम। नीचेज फाइंड कर ली, फिर आपने अपनी ब्लॉग का नेम फाइंड करना है। ये इसके साथ मिलता जुलता है नीच के साथ। अगर आपकी नीच फाइंड हो चुकी है तो आपके ब्लॉग का नेम भी इजीली फाइंड हो जाएगा। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप अपने नाम कोई भी यूनिक सा नाम क्रिएट कर सकते हैं, वरना आपके ब्लॉग का नेम आपकी नीच के मुताबिक होगा। फोर्थ स्टेप पे आ जाता है कि आपने अपना ब्लॉग नेम क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट को क्रिएट करना है, उसको कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट में अपने पेजेस क्रिएट करने हैं और उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट में कैटेगरीज क्रिएट करनी है। वेबसाइट क्रिएट हो गई, पेजेस क्रिएट हो गए, कैटेगरीज क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के बाद फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने अपने कंटेंट की स्ट्रेटजी बनानी है कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट कैसे डालना है, किस किस टाइम से डालना है और कैसे डालना है। अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम कर गई तो आपका ब्लॉग बहुत अच्छा रन हो सकता है। उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेटजी बना ली, फिर आपने अपना फर्स्ट ब्लॉग को राइट करना स्टार्ट कर देना है। राइट करने के बाद उसको अपनी वेबसाइट पे क्या कर देना है, पोस्ट। पोस्ट करने के बाद पब्लिश योर ब्लॉग, अपने ब्लॉग को आपने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर लास्ट में पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद फिर आपने ये देखना है कि मैंने पब्लिश तो कर दिया तो वो प्रमोट कैसे होगा और वो ग्रो कैसे होगा। आपने अपने ब्लॉग को प्रमोट करने के प्रोसेस, टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने हैं, जो कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में इन सारे पॉइंट्स को हम इजीली कवर करेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ रहेंगे तो मैं अपने कोर्स के अंदर तमाम पॉइंट्स को बेसिक तरीके से कवर करूंगा, ताकि जिसको ABC का भी नहीं पता वो भी अच्छे तरीके से इन चीज़ों के ऊपर वर्क करेगा और इंशाल्लाह ताला वो कामयाब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, प्रमोट एंड ग्रो योर ब्लॉग। आपका जो हमने अपनी ब्लॉग का पोस्ट किया है उसको पब्लिश कर दिया, उसको आपने प्रमोट करना है और उसके बाद आपने उसको क्या कर देना है, ग्रो करना है। ग्रो करने के बाद क्या आ जाएगा, जब आपका ब्लॉग ग्रो होने लग गए फिर आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना है, फिर आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। हम अपनी वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे कि मोनेटाइजेशन के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं और किन किन मेथड्स पे काम किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है, अपनी ब्लॉग की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपको इन 10 मेथड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। या अगर आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कॉपी पेंसिल उठा लें, उसके अंदर अपने ये 10 पॉइंट्स लिख के रख लें। अगर आपको इन 10 पॉइंट्स का नहीं पता, आपके माइंड में ये 10 पॉइंट्स नहीं है कि आपने अपने ब्लॉग को स्टार्ट करना है तो आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, अगर ये चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं है, आप एक मैप के थ्रू काम नहीं कर रहे, आप अपनी एक स्ट्रेटजी नहीं बना रहे, तो आप सारी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकते। और ब्लॉग में नाकाम होने की वजह भी यही होती है कि लोग क्या करते हैं कि अपने
सेटअप को क्रिएट नहीं करने से पहले अपने माइंड में स्केच नहीं बनाते और वो बस ऐसे फर्जी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने बिल्कुल इन इन स्टेप को फॉलो करना है। आप लोग मेरी वीडियोस को आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक वीडियोस डालता रहूँगा हर हर पॉइंट पे और डिटेल में बताता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बेस्ट और टॉप की 2023 की बेस्ट नीचीज़ कौन कौन सी हैं।